ऐसे तो मैं मोटो ब्लॉग नहीं करने वाला था जब तक मैं ये हेलमेट वगैरह मैं नहीं ले लेता, लेकिन क्या कर सकते, मूड हो गया तो करना तो पड़ता ही, क्योंकि अपना मूड तो भाई अपना मूड है। तो बस अभी हम हैं रिंग रोड में और जस्ट इसके बाजू में है मेन रोड, और मेन रोड यहाँ का बोले तो रेड जोन में आता है, और यहाँ से अंदर सारी बेकरी की शॉप है लाइन से। अभी राउरकेला में करीबन 6 केसेस हैं, एक्टिव केसेस कोरोना वायरस के। हेलो, आ रोड में 5 मिनट पेट्रोल पंप खुला है कि बंद है, खुला है। हाँ, क्या बोल रहा? अबे मास्क के साथ हेलमेट भी पहनने हुए, वो भी चेहरा भी नहीं दिख रहा। चल बैठ। बाइक पे 2 बंदी है, 85 रुपए की एक बंडी, कितना मस्त है ना। तो लोग ऐसे जनरली बोलते हैं कि 100 का पेट्रोल नहीं डालना चाहिए, और कम से कम आप 101-102 का डालो, तब जा कर के पेट्रोल अच्छी मिलेगी, क्वांटिटी अच्छी मिलेगी। और भाई जिसके पास अगर ना हो चिल्लर, तब क्या करेगा, वो 100 का ही डालेगा ना। नहीं, जहाँ से आए। चलो फिर, खुल रहा है ना भाई। चलो ठीक है भाई, मिलते हैं ना भाई। तो अभी सागर को ड्रॉप करके निकले हैं, और अभी यहाँ का जो माहौल है ना, बहुत गर्म है भाई। सामने का जो इलाका है वो पूरा सील है, तो यहाँ से कोई आगे जा नहीं सकता। और यहाँ से हम लोग लेंगे लेफ्ट, बेकरी शॉप वाले रास्ते से रिंग रोड निकल जाएंगे। ये देखो, ये जो सारा इलाका, ये रेड जोन। आगे ना दूर दूर तक कोई नहीं। राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड आपको देखने को मिलेगा बेकरी शॉप।
6:44 भाई, ये ऐसा कुछ तो मैंने कभी गौर भी नहीं किया था। मतलब शाम का जो वक्त होता है ना, इतना खूबसूरत होता है यहाँ पे, लफ्जों में बयां नहीं कर सकता कोई, तो कितना अच्छा नज़ारा है यहाँ पे। ये जो राइट साइड में जितने सारे आप इलाके देख रहे हो, ये सारा रेड जोन में आता है, ये सारा सील है। ये इस्पात चौक, ये देखो ये सारा रेड जोन है। और ये पार्किंग है अपना, और यहाँ पे ये राइट साइड पे जो ये सारा इलाका जो है बफर जोन में आता है, और यहाँ पे भी ये देखो ये सारी जगह सील है। यहाँ से आगे कोई जा नहीं सकता। ये मार्केट चालू हो चुका है इस साइड से। यहाँ से, यहाँ पे भी पुलिस है, यहाँ से लेंगे राइट। लॉकडाउन में अगर किसी का फायदा हुआ, किसी का भला हुआ है, तो ये वाले रास्ते से आने जाने वालों का हुआ है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से ट्रेनें अब आती नहीं है उतनी, और ये जो गेट है ये अक्सर खुला ही मिलता है। वरना भाई साहब यहाँ तो अच्छे अच्छे लोगों का पसीना छूट जाता है।